अंतरिक्ष यान, ये पृथ्वी का नहीं लगता। क्या बात है गंगाधर, क्या देख रहे हो? एक अंतरिक्ष यान है जो हमारे शहर की तरफ आ रहा है। You mean spaceship? हाँ, हो सकता है शहर को खतरे की कोई संभावना हो। हम शक्तिमान भैया को बता के आते हैं। गंगा, ये स्पेसशिप किसका हो सकता है और ये हमारे शहर की ओर क्यों आ रहा है? मैं इसके अंदर देख क्यों नहीं पा रहा हूं? मेरी दिव्य दृष्टि भेद क्यों नहीं पा रही इसकी दीवार को? सचमुच डॉक्टर जैकॉल को तो पूरी तरह ही बदल दिया है नादिया ने। अरे अरे, कहां घुसे चले आ रहे हैं साहब? क्या मैं जान सकता हूं कि आप हैं कौन? मिस्टर सपकर से जब मिलूंगा तब तुम्हें अच्छी तरह से पता चल जाएगा मैं कौन हूं। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या टीवी से कुणाल सर ने भेजा होगा वो? यस यस। तो ठीक है, जाइए साहब, इंटरव्यू के लिए कब से तैयार बैठे हैं? अब हमारी मुलाकात होगी शक्तिमान से। आओ आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। जिसका इंटरव्यू तुम लेने के लिए आए हो वो मैं ही हूं। नाम है मिस्टर सपकर। मिस्टर सपकर, आपके कारनामों के बारे में सुना था, मगर आपको देखकर नहीं लगता कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। करने को तो अपन बहुत कुछ कर सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। मगर सुना है कि आपके शरीर पर तो बिजली के करंट और आग का भी कोई असर नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरा का पूरा शो देखने के लिए आए हैं। क्यों नहीं, हमारे पास इसका भी इंतजाम है। आखिरकार तुम्हें नियर साहब ने भेजा है। देखा, इसमें आग भी है और करंट भी। उसके बावजूद बॉडी पर कोई असर नहीं होता। सचमुच कमाल है, लेकिन आपके शरीर में ये सब पावर आया कहां से? प्रकृति, नेचर। शक्तिमान को भी पावर प्रकृति से ही मिला है। अरे यार, ये तुम छोटे छोटे सवाल बहुत पूछते हो। अरे पूछना है तो कोई वजनदार सवाल पूछो तो फिर मजा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सीधी तरह पूछ लेता हूँ कि तुम ही शक्तिमान हो या नहीं। फिर सोचने लगा? सोचो सोचो, जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। पावर, लेकिन शक्तिमान के पास तो इससे भी कहीं ज्यादा पावर है। हो सकता है ये शक्तिमान ना भी हो तो भी ये मेरे काम का है, इसे फौरन किडनैप कर लेना चाहिए। ये
तस्या नाम सहस्राणि अष्टोत्तरशतानि च। वो अंतरिक्ष यान, आखिर वो अंतरिक्ष यान कहां गया? आसपास कहीं भी नहीं है। अरे हां, गीता विश्वास मिस्टर सबकर की यहां मेरा इंतजार कर रही होगी। पहले मुझे वहीं जाना होगा। कैसा लगा अपन का शरबत? बढ़िया। एक बात पूछूं मिस्टर सबकर? पूछो। मुझे लगता है कि आप ही शक्तिमान हैं। मैं इसे कैसे समझाऊं कि शक्तिमान की तलाश तो मुझे भी है। शक्तिमान का दूसरा रूप शक्ति। सर, सर आपसे मिलने दो लोग और आए हैं। कह रहे हैं पत्रकार हैं, केआर टीवी से आए हैं। केआर टीवी? हाँ, और ये सब कह रहे थे कि बाकी के लोग दूसरे दिन आएंगे, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि उनका कोई आदमी पहले आया ही नहीं। खबरदार, हिलना मत। गंगाधर, लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है। हम देखते हैं देवी जी। कमान मूव, कमान मूव, मूव मूव, कमान मूव मूव। बचाओ, अरे कोई है, बचाओ, साहब को गोली मार देगा। अरे बचाओ बचाओ। अरे घबरावे क्यों? अब मैडम साहब की जान खतरे में। क्या हुआ उन्हें? वो एक आदमी पत्रकार बनकर आया था, गोली चला दी उसने। नादिया, नादिया, आर यू गेटिंग माई सिग्नल? यस डॉक्टर जेकब। नादिया, में जल्दी से टेलीपोर्ट करो। ओ, डॉक्टर जेकॉर, चेहरा बदलकर मिस्टर सबकर का नुकसान करने आए हो? पावर। चलो, बहुत दिनों तक आजाद घूम लिए, अब तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचाता हूं। जी साहब, साहब आप ठीक तो हैं ना? आपके साहब बिल्कुल ठीक हैं। अरे भाई, हम बिल्कुल ठीक हैं, बच गए इन साहब की वजह से। चलो। शक्तिमान, कौन मारना चाहता था मिस्टर सबकर को? डॉक्टर जेकॉल फेस बदल कर आया था, किसी नायाब इरादे से इन्हें किडनैप करके ले जाना चाहता था। धन्यवाद शक्तिमान, तुमने मुझे बचा लिया। मिस्टर सबकर, आप विशिष्ट गुणों के धनी आदमी हैं, इसलिए अपरिचित व्यक्तियों से मिलते समय सावधान रहिएगा, क्योंकि वो लोग आपकी इस विशिष्टता का फायदा उठाना चाहेंगे। मैं समझता हूं ये रिवॉल्वर आपकी है, इसे आप संभालिए और मैं चलता हूं। ठहरो शक्तिमान, अपन को भी तुमसे कुछ पूछने का है। पूछिए। क्या तुम्हारा दूसरा रूप भी है? आज आपकी हमारी पहली मुलाकात हुई है, और पहली मुलाकात में ऐसा सवाल? नहीं, नहीं, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल तो उस आदमी का था जो मुझे किडनैप करना चाहता था। मुझे शक्तिमान समझ रहा था। दुनिया क्या समझती है इस सवाल में उलझने से क्या फायदा मिस्टर सबकर? मेरे कितने ही रूप क्यों ना हो, दुनिया मुझे इसी रूप से जानती है, शक्ति। अरे बाप रे बाप, ये कहां चले गए? खैर, ये गोल गोल घूमना देख करके अच्छा लगता है, नहीं? अच्छा लगता है। वैसे मिस्टर सबकर, मैं गीता विश्वास के आर टीवी से, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूं। अरे बाप रे बाप, इंटरव्यू हमारा? एक मिनट जी। गंगाधर, अरे ओ गंगाधर, कहां रह गए तुम? अरे आले आले गिरी जी, आले आले। ये है मिस्टर सबकर। नमस्कार। नमस्ते। मैंने सुना है कि आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आकाश, बिल्कुल सही सुना है आपने, यकीन ना हो तो आप ट्राई करके देख सकती हैं। यस यस यस। क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ? क्यों नहीं, थैंक यू। आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। देवी जी, आप भी तैयार हैं? बिल्कुल। ध्यान से सुनिएगा, 1,00,000 में 1.75 से गुणा किया और उसे फौरन 8.55 से गुणा किया और उसके अंदर फौरन 7,200 जोड़ दिया और 82,000 घटा दिया
उसके बाद उसे 35 से गुणा किया, 34 से भाग दिया, उसके बाद उसे 1712 घटा दिया, उसके बाद उसे 5 से गुणा किया, 55 से गुणा किया, 3 से भाग दिया, 4 से गुणा किया, 0 से गुणा किया, 5 से भाग दिया, और उसके बाद उसे 55,000 से गुणा किया, 5,000 से गुणा किया, 2,000 से गुणा किया, 1,000 से गुणा किया, 5 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, गुणनफल क्या आया महाशय? 0। Hey, that's right. Amazing. हाँ, ये सवाल तो बिल्कुल बच्चों का था। अरे भाई, संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। हमने कहा था ना कि हम आदमी कमाल के हैं। सचमुच आप कमाल के। ये मानव है तो कमाल का, मगर जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं। उसे किडनैप करने में कामयाब हो गया होता मैं, मगर बीच में ही शक्तिमान टपक पड़ा, और हाँ, तुम्हारा ये बेका भी काम नहीं आया, पहचान लिया उसने मुझे। अब तो ये शक्ल हटाओ मेरे सर से। डॉक्टर जयपाल, आप इधर आइए। बेकार गया, सब बेकार गया। कोई बात नहीं डॉक्टर जयपाल, ये बात तो क्लियर हो गई ना कि शक्तिमान मिस्टर सबकर नहीं। भले ही वो शक्तिमान नहीं है, मगर वो शक्तिमान से कम भी नहीं है। मिस्टर सबकर के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा हुआ है। हर रहस्य के ताले की चाबी हमारे पास है, और मिस्टर सबकर का रहस्य हमसे छुप नहीं सकता। सैटेलाइट कैमरे के द्वारा हमने उसके घर को कैच कर लिया है। अब हम बड़ी आसानी के साथ उसकी हर एक्टिविटीज को देख सकते हैं। अब हमें सिर्फ उस पर नजर रखनी है। उस अंतरिक्ष यान का रहस्य तो रहस्य ही रह गया। देवी जी, रोकिए 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 रोकिए, रुकिए 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 देवी जी, रुकिए रुकिए रुकिए। अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमें कहीं कुछ काम से जाना है। तो मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगी। नहीं, वहाँ हम ही सिर्फ जा सकते, आप नहीं जा सकते। अब पहले ही मत बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। आप भी देवी जी कभी कभी ना बहुत जिद पकड़ लेती है। आपको हमने वो अंतरिक्ष यान के बारे में बताया था ना, शक्तिमान भैया और अंतरिक्ष यान के बीच युद्ध हुआ था। ओ हाँ। समझदार होकर समझने में इतना समय क्यों लगाती है? हम अभी आके। ओह माय गॉड, फर्स्ट तो मैं मिस्टर सबकर के घर ही भुलाई। ये गंगाधर भी ना हमेशा जल्दी में रहता है, अब मुझे मिस्टर सबकर के घर फिर से जाना होगा। मैं आगे से राइट लेती हूँ। प्रणाम महाशय। आयुष्मान भव शक्तिमान, हमें पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, उस अज्ञात चीज के बारे में जानना है ना? आपके पास मैं इसलिए आया कि सूर्यांशियों का संबंध परग्रहियों से है, ये बात मुझे बहुत पहले से मालूम है महाशय। मुझे लगा कि वो परग्रही आप सूर्यांशियों से कुछ कहना चाहते हो। हम सूर्यांशियों के पास परग्रही आते रहते हैं, परंतु इन दिनों कोई यान नहीं आया है। अगर कोई आता तो हमें अवश्य पता लग जाता। मैं तुम्हारे मस्तिष्क में छिपे उस यान के चित्र को देखना चाहता हूं शक्तिमान। तो यही है वो यान? जी, यही है वो परग्रही यान। ये परग्रही यान शहर में आया था और हमसे संपर्क भी नहीं किया।
और दिखता भी अपरिचित है शक्तिमान। हो सकता है यान सूर्यांशों के बजाय अंधेरे से मिलने आया हो। हमें थोड़ी शोध करनी होगी शक्तिमान। इस यान से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है शक्तिमान, मतलब ये हमारे मित्र नहीं हो सकते। तो फिर कौन हो सकते हैं ये? देखो, इनके बारे में अच्छा बुरा कहना संभव नहीं है शक्तिमान। कहीं परग्रहियों के रूप में कोई नया संकट तो नहीं आया है? स्पेसशिप इस बंगले के पीछे कहाँ चली गई? डॉक्टर जैकॉन, आश्चर्य की बात है, स्पेसशिप जमीन के अंदर चली गई लेकिन कोई निशान भी नहीं बचा। नादिया, मिस्टर सबकर का रहस्य अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। कुछ देर पहले ही तो मैं आई थी ना तुम्हारे सांप का इंटरव्यू लेने। हाँ मैडम, मैं आपको अच्छी तरह पहचान रहा हूँ। तो फिर मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? बॉस का सख्त ऑर्डर है, इस वक्त कोई अंदर नहीं जा सकता। अरे तुम समझते क्यों नहीं, मेरा पर्स अंदर रह गया, उसमें मेरे घर की चाबी है, मैं घर के अंदर कैसे जाऊंगी? आपको आपका पर्स मिल जाएगा मैडम, घर का पता दे दीजिए, मैं घर पहुंचा दूंगा आपके। क्यों, अभी क्यों नहीं मिल सकता? इस वक्त ना आप अंदर जा सकती हैं ना मैं, इसलिए आप मेरा सर मत खाइए, जाइए, चलिए निकलिए यहाँ से। अंदर तो मैं जा कर ही रहूंगी बेवकूफ, और उस स्पेसशिप के रहस्य के बारे में पता लगा कर ही रहूंगी। स्वागत है शैनन, अचानक आने का मकसद? के बंगले के नीचे स्पेसशिप के लैंडिंग की जगह, इसका मतलब जरूर इस स्पेसशिप से कोई ना कोई आया होगा। आकाश गंगा खतरे में है, ये दोनों पारदर्शी लोग कौन हैं? अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है।
सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान, शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, शक्ति 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 शक्ति शक्तिमान। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की आशा है ये, सृष्टि की शक्ति का वरदान है ये, अवतार नहीं है ये इंसान है, शक्तिमान, सकती है फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान